हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? हम भी एकदम बढ़िया हैं। बढ़िया तो होंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी और फाइनली अभी जो है बारिश लग गई है, तो सच में ठंडक पहुंच गई। ये देखिए बारिश जो है बहुत ज़ोरों शोरों से पड़ी है, तो गर्मी से परेशान बाहर भी निकल गए हैं, पर बारिश ठंडी है इतनी भी नहीं है। बाकी मज़ा आ रहा है, साथ में सब्जी लगाने की प्लानिंग चल पड़ी है क्योंकि बारिश अभी बढ़िया हो गई। अब देख रहे होंगे ये खेत है और सॉरी प्लॉट है परे वाली साइड, ये भी पूरा भर गया पानी से, तो ठीक ठाक बारिश हो गई। मतलब अब जो भी सब्जी लगाएंगे वो अच्छी तरह से उग सकती है यहाँ। मतलब बाइक और स्कूटी का नाम भी हो गया। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह का टाइम हुआ है और आज देखिए सुबह सुबह ही बहुत बढ़िया बारिश लग गई है और रात को भी जो है बहुत गर्मी थी। मतलब अब तो बहुत ज़्यादा हो ही गया, पर ऐसा होता है कि अगर बारिश हो जाए तो थोड़ी ठंडक पड़ जाती है और नींद भी बढ़िया आती है। पर चलिए ये भी एक दिन होती है और दो दिन फिर से कंटिन्यू धूप होती है, उसके बाद फिर से वही हाल। पर क्या कर सकते हैं फ़िलहाल। चलिए अभी तो बहुत बढ़िया वाला मौसम हो रखा है, मन कर रहा है बाहर ही बारिश में भीगते रहना। बाकी खाना बनके मेरा रेडी है, चलिए किचन में चलते हैं अंदर और बताती हूँ आपको कि खाने में मैंने क्या बनाया है। मैं आज पकौड़ा की कढ़ी बनी है गाइस, मैं आपको ये देखिए आज मैंने पकौड़े वाली कढ़ी बनाई है, तो बनी भी बहुत टेस्टी है और साथ में चावल भी बना दिए हैं, तो बस अब हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे। सो गाइस, बारिश गायब और धूप लग गई है बाहर और अभी जो है शाम के 5:15 भी हो गए हैं, वैसे 6 बजे तक धूप रहेगी। तो मैं रेडी भी हो गई थी, पहले सोचा इतना अच्छा मौसम है यार थोड़ा रील्स बना लूं, पर देखिए फिर से धूप लग गई, इतनी जोरों की बारिश पड़ी थी, सोचा था कि नहीं ये नहीं रुकने वाली, पर सडनली मौसम चेंज। पर कोई नहीं, थोड़ी देर वेट करूँगी मैं, फिर जाऊँगी बाहर और थोड़ा वीडियो बनाऊँगी। शाम का टाइम हो गया है गाइस और दिन को आज बहुत ज़्यादा धूप थी, अभी फिर से बारिश का मौसम हो गया है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे जो है हमने भिंडी लगा के रखी है तो इनको पानी दे दिया। वैसे हमारे पानी की बहुत कमी होती है, हमें आजकल पानी की दिक्कत रहती है, आजकल क्या ऐसे भी पता नहीं इधर ऐसे ही होता है पानी का, पर ये सूख रही थी तो मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया। बाकी आज घर में भी कोई नहीं है, तो चलिए थोड़ा गौशाला की तरफ भी चलते हैं, घर से मिलवाती हूँ आपको। पिछली बार जो है इस पेड़ पे सिर्फ एक आम लगा हुआ था, अब की बार काफ़ी लगे हुए हैं, पर स्नॉट का कोई पता नहीं है, जैसे ही स्नॉट पड़ता ही तो ये सारा खाली हो जाता है और ऐसे ही होते हैं फिर। बाकी चलिए अंदर गाय के पास चलते हैं, घास डाल दिया था मैंने इनको पहले, अभी बैठ किया, ये तो गोबर कर दी। हाय, का देख रही है? ओ
जलेबी पकौड़ा पार्टी। क्या मित्तू, ये जलेबी है और ये पकौड़ा पार्टी है? और तू? मैं मित्तू पार्टी। आज कलमा का मेला था गाइस, तो यहाँ से ये जलेबी और पकौड़े लेके आए हैं। तो दो कलमा, एक पार वाला एक पार वाला है, जो मेरे मायके वाला है उधर नहीं, एक और है पीछे, वहाँ पे मेला था। हाँ, कौन देव आए थे वहाँ पे? लट्टोगणी देव आए थे वहाँ पे। लट्टोगली, हाँ जी, यही बोला मैंने, लट्टोगली। गर्मा गर्म जलेबी। डिनर टाइम हो गया है गाइस, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। सच में ऐसा होता है, सुबह और शाम को बस खाना बनाने की टेंशन होती है, सुबह क्या बनाना शाम को क्या बनाना। तो देखती हूँ, अभी आ गई हूँ फिलहाल किचन में। चलो फाइनली डिसाइड कर लिया मैंने, अभी जो है मैं बैंगन की सब्जी बनाऊँगी, आलू बैंगन और साथ में चपाती। तो ओके, करते हैं अपने डिनर बनाना शुरू। मैं गाइस इस व्लॉग का भी करती हूँ एंड, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, और ऐसे ही देखते रहिए ऐश लव व्लॉग्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।